हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जहां पे आपको मार्केटिंग के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है उसके अंदर मिलेंगे। और जो टॉपिक अभी तक नहीं आए हैं वो भी धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो GE स्पॉटलाइट मैट्रिक्स, और हम इसको बोलते हैं 9 सेल प्लानिंग ग्रिड। ये जो हमारी मैट्रिक्स होती है ये 3x3 मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब भी हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। और 3x3 मैट्रिक्स का यहाँ पे मतलब क्या है, जिसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने सेल दिख रहे हैं आपको, 9। तो इस वजह से इसको हम 9 सेल प्लानिंग ग्रिड भी बोलते हैं। जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ग्रीन, येलो, रेड, तो उससे कुछ उसको मतलब यहाँ पे एक तरीके से वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिया गया है। तो ये क्या है, सिमिलर टू ट्रैफिक सिग्नल। अब बात आती है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कहाँ यूज़ की जाती है। ये मैट्रिक्स वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेज होती हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस बिजनेस यूनिट में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको भी होल्ड पे रखना चाहिए, या फिर किसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए। तो वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9 बॉक्सेज है यहाँ पे, 3 लाइन ग्रीन, येलो और रेड जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो ये मैट्रिक्स है ये दी किसने थी, McKinsey ने, या फिर आप बोल सकते हो McKinsey ने दी थी। कब दी थी, 1970 में दी थी। तो ये एक तरीके का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मॉडल है जो गाइड करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेसमैन को, कि किस तरीके से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे जो है हार्वेस्ट करना है और कहाँ पे डाइवेस्ट करना है। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये होगी हमारी 9x9 की मैट्रिक्स। अब देखो इस एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को, ठीक है, या फिर आप बोलो बिजनेस स्ट्रेंथ को हम शो करते हैं एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। वाई एक्सिस पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, कई बार MCQ यहीं से आ जाता है। और एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं हम, बिजनेस स्ट्रेंथ, की बिजनेस की स्ट्रेंथ कैसी है, हाई है, मीडियम है, लो है। तो इस तरीके से बिजनेस की स्ट्रेंथ हाई, मीडियम, लो, और जो तुम्हारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो भी हाई, मीडियम और लो। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें जो नाइन सेल हमारे पास, देखो ये वाले तीनों में क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारी स्ट्रेंथ भी क्या है, हाई है, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी क्या है, हाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट एंड ग्रो। तो आपने इस तरीके से देखना है कि यहाँ पे किस पोजीशन पे हम खड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को उठाओ, देखो यहाँ पे हमारी जो है स्ट्रेंथ भी क्या है बिजनेस की, लो है, और यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी क्या है, लो है। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब सब दोनों चीज़ें हमारे पास लो है। तो यहाँ पे बंदा क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा या डाइवेस्ट करेगा। तो इस तरीके से, तो इन तीनों पोजीशन पे हम करते हैं इन्वेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ग्रो करेंगे। बीच वाले जो तीनों स्टेजेस होंगे इनमें होती है हमारी सेलेक्टिविटी अर्निंग, यानी हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। और इन तीनों पॉइंट पे, इन तीनों सेल में हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी होती है रेड लाइट, तो ये हमारी होगी ग्रीन, ये येल्लो और ये रेड। अब इनको जैसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बात की गई है इन्वेस्ट और ग्रो की, ठीक है, इसका मैंने जो डायग्राम बनाया वहाँ से हम बात करते हैं। तो इस पोजीशन पे देखो हम दोनों हाई हाई है, स्ट्रेंथ भी हाई है, अट्रैक्टिवनेस भी हाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्ट पोजीशन, कि हमने इस पोजीशन पे बने रहना है, कि ऐसा नहीं हो कि कोई कॉम्पिटिटर आए और हमारी पोजीशन को हमसे छीन ले, वो हमसे आगे कुछ और हमसे अच्छा गए, उसकी स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा हो जाए। तो इस पोजीशन को हमने बनाए रखना है। इन्वेस्ट टू बिल्ड में क्या होता है, बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है। बिल्ड सेलेक्टिविटी में क्या होता है, स्ट्रेंथ को एनहांस करो। मैनेज फॉर अर्निंग में क्या होता है, अपग्रेड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन टू मेंटेन प्रॉफिट। एक्सपेंड और हार्वेस्ट में क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से आपका अच्छा काम हो रहा है, प्रॉफिटेबल है वो, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज उसको क्या कर दो, हार्वेस्ट कर दो, ठीक है। आप जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करो क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। फिर एक पोजीशन हमारी क्या है, प्रोटेक्ट पोजीशन एंड रीफोकस। यहाँ पे अपनी करंट स्ट्रेंथ पे हम ध्यान देते हैं कि हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखना है, और किस तरीके से हमने जो एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपनी पोजीशन को। डाइवेस्ट में क्या होता है, ये सबसे खराब पोजीशन होती है, कि यहाँ पे जो है अब हमारे लिए क्या है, ना तो बिजनेस की स्ट्रेंथ है ना ही अट्रैक्टिवनेस है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे कॉस्ट को, और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कि जो आपने अभी तक जितना पैसा लगाया वो फटाफट जितना कमाना है कमाओ और बाहर निकलो, क्योंकि ये आपके लिए जो है अब प्रॉफिटेबल नहीं होगा।
सो हमने यहाँ पे पढ़ा, हमारे पास 9 बॉक्सेस है और हमारे पास 3 लाइन है, ग्रीन, येलो एंड रेड. ग्रीन पे हम क्या करते हैं, गो, ठीक है, जाओ उसमें, मतलब उसको अंदर इन्वेस्टमेंट करो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करो, उस पोजीशन को बना के रखो. येलो में क्या होता है कि तैयार हो जाओ. यहाँ पे जो हमें डिसीजन क्या करना है, बैलेंस करना होता है, कंट्रोल करनी होती चीज़ें, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है कि अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करो, बट अगर आपको लग रहा है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो. रेड में क्या होता है कि यहाँ पे अब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, स्टेज पे आके हमें जो अपना रुक जाना होता है कि जितना कमाना कमाओ और फिर बाहर निकलो, क्योंकि इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी है. तो ग्रो ग्रीन, होल्ड येलो एंड हार्वेस्ट रेड, ठीक है, इतनी बात. अब इसके बाद जो है बिजनेस स्ट्रेंथ, और यहाँ पे हमने बात करी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की, तो ये चीज़ें किस चीज़ से अफेक्ट होंगी. तो अगर हम बात करें बिजनेस स्ट्रेंथ की, तो वो अफेक्ट होती है मार्केट शेयर से, प्रोडक्शन कैपेसिटी से, प्रोडक्शन एफिशिएंसी से, प्रोडक्शन लोकेशन से और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है. ये आपकी जो, अगर आपकी देखो एफिशिएंसी अच्छी है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी अच्छी है, तो अपने आप में वो क्या स्ट्रेंथ है, आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, वेस्टेज कम हो रही है, तो वो क्या आपके पास एक एडवांटेज है. तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके कंपटीटर के कंपैरिजन में अच्छी है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ है. तो इन सारी चीज़ों से आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है. उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो, वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होती है, आपकी मार्केट साइज़ क्या है, ज़्यादा शेयर होगा मार्केट में, ज़्यादा बड़ी मार्केट होगी तो वहाँ पे जो है अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ठीक है. उसके बाद मार्केट ग्रोथ कैसी है, कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कैसा है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कॉम्पिटिशन कैसा है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सारी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा चीज़ें आपको कंपटीटर के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी. बट अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हो. तो ये थे हमारी कौन कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट करेंगी हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ को और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को. सो गाइज, ये था हमारा GE मैट्रिक्स. इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQ-INCE 7S फ्रेमवर्क. सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.